नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स। इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बताते चले कि लालू परिवार के दिल्ली समेत पटना समेत गोपालगंज सहित 17 ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी है। जी हां, लगातार सुबह से ही छापेमारी की जा रही है, लगातार हड़कंप मच गया है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव बिहार में नहीं है, वो दिल्ली में भी नहीं है, वो लंदन गए हुए हैं। जी हाँ, और उसके बाद राबड़ी आवास, पटना स्थित राबड़ी आवास की बात करें या फिर दिल्ली में मीसा भारती आवास, सब पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, ना ही बाहरी किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लगातार पूरे कागजात खंगाले जा रहे हैं, लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं अगर हम बात राबड़ी आवास की करें तो राबड़ी आवास पे भी छापेमारी की जा रही है। और बाहर हुजूम उमड़ पड़ा है, समर्थकों का गुस्सा है, नाराजगी है। लेकिन अगर बात हम इस छापेमारी की करें तो रेलवे से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। जी हां, आपको बताते चले कि पटना में सीबीआई की 8 सदस्यीय टीम 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर पहुंची। टीम में महिला और पुरुष दोनों अधिकारी शामिल है। इस दौरान आवास में किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं है। टीम दस्तावेज को खंगाल रही है। पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से पूछताछ की भी खबर है। दरअसल ये पूरा मामला रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि 2004 से लेकर 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान जॉब लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे। सीबीआई ने इसी मामले में जांच के बाद लालू और उनकी बेटी के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। साथ ही अगर हम बात कर ले कि राजद कार्यकर्ताओं की, तो गजब का जो गुस्सा देखने को मिल रहा है उनके घर के बाहर। लेकिन बड़ी बात, बड़ी खबर कि लालू यादव के आवास पर, जी हां, राबड़ी आवास पर छापा पड़ा है। और लालू यादव जहां पर हैं, मीसा भारती के आवास पर, वहां पर भी सीबीआई की रेड चल रही है। लगातार पुरुष महिला दोनों अधिकारी है। और जो राजद के नेता है, राजद के कार्यकर्ता है, कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव अभी यहाँ है नहीं, उसके बावजूद ये रेड किस बात का संकेत दे रही है। वही अगर दूसरी बात करें हम पक्ष की, नेता की, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, तो उनका एक अलग ही कहना है। वो उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है कि घर का भेदी लंका ढा है, मौका देख बाहर उड़ गए। उन्होंने तेजस्वी यादव के परिपेक्ष में ये बात कही है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो लंदन हैं अपनी पत्नी के साथ, और अभी उनके घर में रेड चल रही है। चाहे वो राबड़ी आवास में हो या मीसा भारती का आवास दिल्ली में हो, वहाँ पे भी गोपालगंज में, तो 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है, एक साथ सीबीआई की रेड पड़ी है। और इसमें पूछताछ की भी जानकारी निकल कर आ रही है कि लालू यादव और राबड़ी देवी से लगातार पूछताछ भी की जा रही है। और ये मामला 2004 से 2009 के बीच का बताया जा रहा है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। और उस दौरान आरोप लगा है कि रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले इन्होंने कई सारी जमीन और प्लॉटें अपने नाम करवाई थी। अब ऐसे में ये रेड कब तक चलती है, ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।